रश्मि रथी, आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और उनका मानना था कि मैं दुर्योधन को एक मौका और देता हूँ और अपनी बात समझाऊँगा। इसके बाद वे गए और यही प्रयास किए कि शायद मेरे समझाने से महाभारत का युद्ध रुक सके। उसी का कुछ अंश है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। भगवान ने कहा कि दो न्याय अगर तू आधा दो उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हा हा दुर्योधन बाद मुझे यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन झंकार सकल मुझमें लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संघार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वच स्थल विशाल भू परिधि बंद को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर यह है मेरे मुख के अंदर दृग हो तो दृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक आताल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म बमन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मुदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। कृष्ण ने कहा हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो लो मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। दुर्योधन याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय की या मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर अग्रिपघर फड़शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुँह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बुंद से छूटेंगे वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न अघाते थे
धृतराष्ट्र विरुद्ध विदुर सुख पाते थे, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, करजोड़ खड़े प्रमुदित दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।